वेरी मच। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो हमारी जिला स्वात में एक कैंपेन शुरू है, ये मौत के सौदागरों के खिलाफ मंशियात फरोश जिनको हमने कैटेगराइज किया है सप्लायर सेलर उनके खिलाफ और आखिरी नंबर पे फिर एडिक्ट है, तो उसमें ये यहाँ पे ये भी शिकायत आई थी कि ये देसी शराब बनाते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, पूरे इनके पास आदात हैं, उसके बाद उनको टैग करके तो वो उनको दूसरे ब्रांड के उसमें वो जालसाजी करके बेचते भी हैं, और वो जहरीली शराब, वो नकली जेली शराब और वो देसी शराब जिससे हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक इंटेलिजेंस बेस हमने ऑपरेशन किया, मेंढोरा पुलिस ने बहुत अच्छा उस पर काम किया, और एक फैक्ट्री मालिक रहमत अली व कमर जमान रंग महल्ला मेंढोरा का जो है उससे पूरी फैक्ट्री हमने जब्त कर ली, उसके सारे आलात शराब बनाने वाले वो सारे कब्जा कर लिए, और 660 लीटर शराब वो भी उससे बरामद हो गई, और पूरा एक ट्रक सामान का हमारा भर गया, यानी उसकी फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह तहस नहस हो गई। और ये मौत का सौदागर जो इधर मोहल्ले में बैठ के ये काम कर रहा था वो इंशाल्लाह निकलेगा और दूसरों के लिए भी इसको इबरत का निशान बनाएंगे। इसके अलावा बाकी जो हमारे सेलर्स थे सिटी के हदूद में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 10 किलोग्राम चर्स, 2 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम आइस वो भी बरामद की, तो हमने कहा वो भी आपके साथ शेयर करें। और साथ ही स्नैचिंग हुई थी यहाँ पे एक चारबाग का एक गौहर रहमान आया सब्जी मंडी में, जैसे रूटीन में आपको पता है कि वो अपने मोबाइल फोन से बात कर रहा था, पीछे से मोटरसाइकिल पे दो स्नैचर आए सुलेमान और इरफान, उन्होंने उससे मोबाइल स्नैच कर लिया। फौरी इतलाह पे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हमारे नाके लगे हुए हैं, पुलिस की प्रेजेंस है, आप देखते हैं प्लेन क्लोथ में भी मोर देन 100 लोग हमने चौकों में उन पे ये जो ऑपरेशन क्लीन अप हमने शुरू किया उनको डिप्लॉय किया हुआ है, तो फौरी तौर पर उन दोनों को घेर के सुलेमान इरफान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, फर्दर उनको इंटरोगेट करके उनसे 4 स्नैच शुदा मोबाइल भी हमने वो बरामद कर लिए। अब फिर हुई है कम्युनिटी को रिक्वेस्ट है, दोनों ताहिराबाद बढ़ के हैं और इतनी उम्र भी नहीं है और मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और स्नैचिंग कर रहे हैं, स्नैचिंग के बाद अगर किसी ने स्नैचिंग के बाद कोई रेजिस्टेंस की तो फिर ये डकैती करेंगे, फिर मर्डर करेंगे। तो इसलिए गुजारिश है कि इन लोगों को अभी टाइम आ गया है, ये जितने भी ये स्नैचर्स हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये मौत के सौदागर मुंशियात फरोशान सेलर सप्लायर, उनका वक्त आ गया है, और ये ऑपरेशन क्लीनअप इसी तरह डिस्ट्रिक्ट स्वात में तेजी से जारी उसारी रहेगा, क्योंकि पिछले भी हमने चौकों पे लगा दिए हैं, इनको बिल्कुल हमने आवाम के सामने ला के रख दिए कि ये लोग हैं, और जो बाकी कोई कुतुक का छुपा काम करते भी हैं तो कम्युनिटी का जिस तरह ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है इंशाल्लाह वो भी रंगे हाथों गिरफ्तार होंगे और कैफर के दार तक पहुँचेंगे। اور دے شراب و جرم کوئی پخپل زیادی اور فیکٹری یہ لگا ہوئے لگا آلاتوں قبضہ سو دوڑا جرم دی اور دوڑا بھائی انشاءاللہ تک سفا کو مشکل آپ نے اپریشیٹ کیا اس سے میری فورس اور بھی انکریج ہوتی ہے یہ سزا جزا کا عمل شروع ہے ہم نے اپنا بھی احتساب شروع کیا ہوا ہے آپ کی 5 مہینے برابر نہیں ہیں جہاں پہ بھی ہمیں کوئی رپورٹ آتی ہے کہ کوئی لینینسی دکھا رہا ہے یا خدا نخواستہ وردی میں وہ ملا ہوا ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہے اور جو ہمارے جو بہترین کارروائیاں کرتے ہیں ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 مہینے پہلے ایک بہت بڑا دربار کیا تھا پھر سب ڈویژن وائز جا کے ان کے جتنی بھی جزا ہے وہ میرے پہ قرض ہے وہ ہم رکھتے ہیں ہمارے ڈی آئی جی صاحب بھی اس حق میں ہیں محمد علی خان گنڈا پور اور اختر حیات خان گنڈا پور ان کو بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ CC2 اور CC1 ان کو وہ کرتے ہیں اور میرا ان کا پورا ایک بورت ہے حساب کتاب سزا و جزا کا تھینک یو ویری مچ کہ آپ